नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर बिहार सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि एमएलसी के 5 उम्मीदवार का नाम भी घोषणा करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, पहले आप वो सुने। उम्मीदवारों की घोषणा की है, इसमें माननीय महाचंद्र सिंह जी, अवधेश नारायण सिंह जी, माननीय जीवन कुमार जी, धर्मेंद्र सिंह जी और रंजन कुमार जी। मैं बिहार के सभी शिक्षकों और ग्रेजुएट मतदाताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट करें। पिछली बार 2020 के चुनाव में बैलेट का जो ज्यादा मत महागठबंधन को ही मिले थे, बैलेट का अगर आप याद कीजिए, बैलेट मतदान में ज्यादा शिक्षक कर्मी ही रहते हैं, उसमें सभी जगहों पर हमें हार का सामना करना पड़ा था। और हार का सामना इसलिए करना पड़ा था क्योंकि राजद ने जो घोषणा पत्र दिया था उसमें इस बात का वादा किया था कि संविदा प्रथा को खत्म कर सभी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा और समान काम का समान वेतन दिया जाएगा, सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा, नियोजित शिक्षकों, वर्तमान कार्यपालक सहायकों, लाइब्रेरियन, उर्दू शिक्षकों की बहाली की जाएगी। मेरा सभी शिक्षकों से खास करके अनुरोध रहेगा कि आपने पिछली बार राजद के झूठे वादे पर जो मत दिया था, इस बार उनको सबक सिखाने की जरूरत है। ये शिक्षक अभ्यर्थी के सभी शिक्षकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस बार मतदान महागठबंधन से करें और महागठबंधन के उम्मीदवार से जरूर पूछें कि आप लोगों ने यह झूठा वादा क्यों किया था। एक घंटा पहले मुस्लिम कर्मी आएंगे और एक घंटा पहले जाएंगे। यह मैं शुरू से कहता था कि अगस्त में जो यह सरकार बनी है, यह पीएफआई के जो जदयू के सरकारी अफसर है और राजद में जो पीएफआई के जदयू राजद के कार्यकर्ता उनकी गठजोड़ की सरकार है। पूरे हिंदुस्तान में और बिहार में भी जो कभी नहीं होता था, ये अलग से नियम करना। अभी रामनवमी का त्योहार है, हिंदुओं को तो सुबह भी बैठना पड़ता है 11 बजे तक पूजा करने के लिए और 5 बजे शाम से भी पूजा करते हैं, हर कोई जानता है, हर हिंदू के घर में रामनवमी होती है, तो हिंदुओं को इनको क्यों नहीं छूट मिलेगी। इस तरह से किसी जाति विशेष के लिए अलग से छूट देना बिहार को, और ये जो पीएफआई का एजेंडा है कि 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इसके लिए बिहार सरकार कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने का काम कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। किसी भी सरकार के लिए कर्मचारी कर्मचारी होता है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। एक खास समाज के लिए नियम बदलना कि 1 घंटा पहले आ गए, 1 घंटा पहले, जब ऑफिस में न चपरासी रहेगा न किरानी रहेगा तो कोई भी आके क्या करेगा। तो ये एक पूरी योजना है। और अगर आपने छूट दिया तो रामनवमी के लिए क्यों नहीं छूट दिया, ये भी 10 दिन हिंदुओं को भी आप छूट देते इतना, क्योंकि 5 बजे शाम को पूजा करती है। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव केवल और केवल पीएफआई का एजेंडा चला रहे हैं। तो सुना आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, बिहार सरकार पर किस कदर हमलावर थे ये भी आपने देखा, और शिक्षकों से अनुरोध करते हुए नजर आए हैं कि वो सिर्फ भाजपा को वोट करें और महागठबंधन सरकार के खिलाफ खड़ा उतरे। इसी के साथ साथ और क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो आपने सुना। तो फिलहाल के इस अपडेट में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।